السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Good morning, my dear students. Students, I hope you are fine. Inshallah. And inshallah, I am also fine. Students, in your prayer, you have to do dua for every ummah. Means our Ummatul Muslimin, Ummatul Muhammad. First, we remember to our brother, our brother, our sister, our mother, father, our neighbor, and Ummatul Muslimin. Bachcho, aap logon ko maine abhi jaise ki bataya. कहा आप लोग खैर से भी होंगे इंशाअल्लाह. आप लोगों को हमेशा दुआ करनी है क्योंकि बच्चों आप लोग मासूम हैं और हमेशा बगैर अल्लाह की मदद के कोई भी चीज कामयाब नहीं होती. इसीलिए आपको सिखाया गया है कि आप हर चीज हर काम जब भी आप शुरू करें यहां तक के कुछ पकड़े या उठाने भी जाए या लेने जाए या किसी को दे रहे आप हर चीज के अंदर बिस्मिल्लाह ताकि अल्लाह की मदद उस बिस्मिल्लाह की बरकत की वजह से अल्लाह की मदद हमारे साथ हो. आपको मैं उस बिस्मिल्लाह की फजीलत के लिए बताया मैंने आपको तो बिस्मिल्लाह मीन्स हमने अल्लाह के नाम से शुरू किया जैसा कि हम हमारा सबक भी शुरू करें करें और इसीलिए मैंने जब स्टार्ट किया बिस्मिल्लाह सबसे पहले पढ़ा था. बच्चों जो हमारा प्रीवियस के अंदर जो वीडियो था उस वीडियो के अंदर हमने हमारे टॉपिक के अंदर जो टॉपिक चल रहा है शेप्स ऑफ द लेटर का उसके अंदर अलिफ से लेकर अलिफ बा ता और सा हमने अच्छी तरीके से उसको समझा और उसको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा और उसको हम याद भी हमेशा रखते हैं. क्यों? जैसे जैसे हम आगे जाएंगे टू लेटर्स थ्री लेटर्स इस तरीके से वर्ड्स आएंगे और अरबिक के अंदर. इसीलिए आपको ये स्टार्टिंग का जो सिखाया जा रहा है अरबिक अल्फाबेट और फिर बाद में शेप्स ऑफ द लेटर कि वो उसका शेप कैसा होता है उसका फेस कैसा होता है द फर्स्ट कैसे होता है मिडल पे होता है एंडिंग पे होता है वही तो हमने स्टार्ट किया है. फर्स्ट और वन अलिफ से लेकर मीन्स फर्स्ट अलिफ से लेकर अलिफ फर्स्ट मिडल और लास्ट के अंदर वो जो तीन फेस होते हैं वो अच्छी तरीके से हमारे आपको आपको ध्यान रखना है. समझ में आया? इंशाल्लाह आपने ध्यान रखा भी होगा. आप अपनी बुक ओपन करें और सबसे पहले आप उसका हेडिंग आप देखें और आपको पता है कि हमने लेसन नंबर टू उसके अंदर अच्छी तरीके से लिख लिया. लेसन नंबर टू मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में दे दिया है इसलिए आपको इस टू को नहीं लिखना है. आपको वहां पे लिखना है कि लेसन नंबर और ये हेडिंग आप दिला देंगे सब्जेक्ट अर्बिक टॉपिक शेप्स ऑफ द लेटर. Yeah.
लेवल का जो पेज है उसके अंदर मैंने आपको बताया था डार्क लाइन और लाइट लाइन, जो डार्क दिखाई देती है जो लाइट दिखाई देती है रेड कलर की या पिंक कलर की लाइट है उसके मीडियम के अंदर उसके अंदर आपको सेटिंग करते हुए आपको शेप वापस उसके अंदर डिस्टेंस भी छोड़ते हुए आपको सिर्फ फोर उसको एडजस्ट करना है। ये जो मेरा पेज है उस पेज को आपको उस पेज में अच्छी तरीके से एडजस्ट करना है। तो आपका जो पेज होगा उसके ऊपर सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट आपकी जो ये है टाइम मेरी जो दोनों बॉर्डर है वो ये फर्स्ट बॉर्डर है वो सब जगह रह रहा है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर हम लेटर लिखेंगे वो इसलिए लिखेंगे कि हम इस लेटर के शेप लिख रहे हैं, पता चलना चाहिए कि हम कौन सा शेप लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट शेप और उसके बाद में यहाँ पे आएगा मिडल शेप। एंडिंग के अंदर याद रखना उसका सपोर्टर
साथ में आएगा उसको, लेकिन उसके आगे सपोर्टर होगा नहीं, उसको कोई सपोर्ट कर सकेगा नहीं। इसलिए बच्चों, क्योंकि वो लास्ट शेप है, लास्ट शेप के अंदर हर शेप के अंदर जो लेटर है, अल्फाबेट है, वो एम के आकर फुल शेप बन जाए, फुल लेटर बन जाए। शेप में जो लेटर होगा वो फुल ही हो जाएगा। जैसे हम सेपरेट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, हाँ उसका सपोर्टर उसके साथ में होगा, लेकिन फिर वो आगे कुछ भी कर सकेगा नहीं, उसी को कहा जाता है लास्ट। ये सपोर्टर आ रहा है, अब ये लास्ट कब होगा, ये लास्ट का हिस्सा जैसे लेटर है तो जी हमें स्टाफ को बताएगा, इसी तरीके से हमें यहाँ भी ये हुआ जी। तो लाइन के ऊपर इसलिए भी चलेंगे और अच्छी हरियाणा भी कर दीजिए। ये हुआ इसका लास्ट से। अब सेपरेट सेपरेट का अंदर जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखा था, इसी तरीके से हमें लिखना है। ये हुआ जी सेपरेट। तो जी हा और थ तीनों सेम ही है, सिर्फ फर्क डॉट्स का है, नुक्ते का है। जी के बीच में नुक्ता आता है और हा को नुक्ता नहीं आता है, ख के ऊपर नुक्ता आता है। तो बच्चों समझ में आया, उसको अच्छी तरीके से याद रखना और अच्छी तरह से उसका शेप समझना। अब ये आपको फिर लाइन छोड़ देनी है, और लाइन छोड़ने के बाद अब यहाँ पे देखिए वहां सेम ही इतना है बच्चों, ये रहा हा। तो पता चल गया हमें, मालूम हो गया, हम समझ गए कि हम अब आगे कौन सा फर्स्ट लीडर और लास्ट से कौन से लेटर लगे, कौन से लेटर विच लेटर, ये हा। हाँ अब हा, तो हा के अंदर फर्स्ट शब्द हुआ जैसे से जिम की तरह, इस तरीके से ये स्टार्ट हुआ। अब ये लाइन के ऊपर ही आगे की तरफ है, सपोर्टर उसको लेके जा रहा है। स्टार्ट पे ये फर्स्ट शेप है, इसलिए लेटर से स्टार्ट होगा और आगे की तरफ उसका सपोर्टर बॉडीगार्ड होगा, आगे की तरफ वो लेटर्स को ज्वाइन करेगा। समझ में आया बच्चों? अब इसको उठता है सेम, ये हा है इसलिए हा उठता रही। अब ये मिडल शेप हा का सपोर्टर उसका लाइन मतलब दूसरे लेटर से ज्वाइन होकर आ रहा है, और ये हा हा और ये आगे भी इससे लेटर्स को ज्वाइन करता है, इससे लेटर्स को ज्वाइन करता है, इसको कहा जाएगा मिडल। ज्वाइन होकर आ रहा है और आगे ज्वाइन कर रहा है, मीन्स दोनों तरफ लाइन है, दोनों तरफ मतलब उसकी हेल्प कर रहे हैं सपोर्टर लोग, लेटर्स जिसने है तो ही जाके उसको मिडल कहा जाएगा, बाकी उस लेटर को मिडल नहीं कहा जाएगा जिसके आगे पीछे ना हो, वो तो सेपरेट हो जाएगा। अब जैसे देखो लास्ट के अंदर मैंने अभी बताया था आपको कि वो सपोर्ट हेल्प के साथ आ रहा है, जिससे लेटर ज्वाइन है, आपको मैंने जैसे बताया सपोर्टर ज्वाइन है, तो इसीलिए आपको जो पे लगे उसको आप अच्छे से सकते हो, उसको लिखना। ये ज्वाइंट होकर आया है, देखो यहाँ पे मतलब ज्वाइंट होकर क्या है, उससे लेटर ज्वाइंट होकर आ रहा है। अब ये लास्ट सेम है, इसलिए जो हम जो लेटर लिखते हैं हा, वो हा सेपरेट में सेपरेट की तरह बन जाए, फिर आगे किसी को आफ्टर वो किसी को भी मतलब ज्वाइन होने देगा नहीं, उसी को कहा जाता है लास्ट, उस लेटर का लास्ट। ये हुआ लास्ट और यहाँ ये हुआ सेट, कौन सा ये हुआ सेट, ये हुआ हा। हम लाइन छोड़ देते हैं और जिम हा जैसे कि थे इसी तरीके से हमें हॉबी लिखना है, हम यहाँ लिखेंगे इसी तरीके से हॉको ऊपर डॉट्स आएगा, मैंने आपको बताया था और मैंने आपको बताया है कि आपके वीडियो के अंदर ये हॉब है जो बोल रहा हूँ स्पीक कर रहा हूँ वो डॉट्स आपको डाल देना है, तो आप मेरी स्पीक स्पीक के ऊपर कैरफुली ध्यान दें, उसको सुने अच्छे से कुछ तरीके से आप कॉपी करेंगे और अच्छी हरियाणा वीडियो को देखते हुए आपके बुक के अंदर कॉपी करके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे समझेंगे और उसको याद रखेंगे।
आगे हुआ फॉर्म, अब ये इसके अंदर से स्टार्ट हुआ और आगे ज्वाइन कर रहा है, जैसे जीते या हार के आप फॉर्म, और फॉर्म आपको बताया गया था ऊपर वाला साइड का बताया गया था। अब ये देखो जी का मिडल, हार का मिडल, अब फॉर्म का मिडल ज्वाइन होकर आ रहा है दूसरे मिडल से। अब ये जी ये फॉर्म है, अब आगे भी ज्वाइन कर रहा है बिफोर और आफ्टर, दोनों साइड ज्वाइन मिडल से ही है, इसलिए तब जाके इसको मिडल शिफ्ट कर रहा है फॉर्म को मिडल से। अब ये ज्वाइंट नंबर आ रहा है, अब आगे भी आगे इसको ज्वाइंट कर देगा नहीं, आफ्टर इसको ज्वाइंट कर देगा नहीं, इसीलिए उसको लास्ट शिफ्ट कर रहा है। ये हुआ फॉर्म, जो लाइन है वो की जीत की हार की, तो वो आपको याद रखना है किस तरीके से आपको बनाना है। ये स्थिति स्टेट हमने अभी बनाया वो स्टेट ही रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि इस तरीके से हमने लिखा लाइन बड़ी कर दी और इसको ऐसा कर दिया, ये रॉन्ग है। इस तरीके से हमने बनाया से और फिर पेट बड़ा कर दिया, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। आपको इसी तरीके से अच्छी अलाइनमेंट में कॉपी करना है और लिखना है और समझना है और याद रखना। ये हुआ फॉर्म फिनिशर, जी फर्स्ट से, जी मिडल से, जी लास्ट से, हा फर्स्ट से, बी हा मिडल से एंड हा लास्ट से, खा फर्स्ट से, खा मिडल से एंड खा लास्ट से, समझे बच्चों। और साइन के ऊपर जो हमने रेड लाइन बनाया वो जी का वजह बनाया और ये भी सेपरेट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।